नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। महाराष्ट्र में तीसरी लहर का तो पता नहीं, लेकिन सीएम उद्धव ठाकरे ने पहले ही चेतावनी दी थी कि दूसरी लहर जरूर एक बार फिर से जरूर दूसरी लहर पलटवार कर सकती है। और कई जगह पर किया भी गया है, कई देशों में, कई शहरों में ऐसा देखा भी गया है। अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना में एक बार फिर से डेल्टा वेरियंट के काफ़ी सारे मरीज पाए गए हैं, और वैसा ही कुछ महाराष्ट्र के नासिक में भी हुआ। एक ही दिन में 30 डेल्टा वेरिएंट के मरीज पाए गए। अब ये डेल्टा वेरिएंट क्या है? डेल्टा वेरिएंट भारत में ही पाया गया एक कोरोना का म्यूटेंट है, एक कोरोना का ही प्रकार है, जिसकी वजह से दूसरी लहर के लिए डेल्टा वेरिएंट ही जिम्मेदार माना गया था। अब एक बार फिर से डेल्टा वेरिएंट के 30 मरीज एक ही जिले में नासिक में पाए गए हैं, जिससे चिंता सरकार की, प्रशासन की और लोगों की काफ़ी बढ़ गई है। और अगर नासिक की बात की जाए तो नासिक अभी अनलॉक की दिशा में है। नासिक में अभी कोई पाबंदियां लागू नहीं है, नासिक लेवल 3 में नहीं है। पाबंदियों के खुलते ही इस तरीके का असर देखा गया। इससे पहले भी नासिक में स्कूल खोले गए थे तो स्कूल में भी ऐसे मामले देखे गए, जिसके बाद स्कूल को बंद कर दिया गया था। तो लगातार सरकार की चिंता बढ़ती जा रही है। अनलॉक तो कर दिया, हालांकि अनलॉक करना ज़रूरी भी था क्योंकि लोग काफ़ी परेशान हो गए थे, लेकिन एक बार फिर से सरकार लोगों को हिदायत दे रही है कि अनलॉक के बावजूद कोरोना प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन ना किया जाए। कोरोना प्रोटोकॉल्स का सख्ती से पालन करना बेहद ज़रूरी है। ये दूसरी लहर पहले ही सीएम उद्धव ठाकरे ने से जब पत्रकारों ने सवाल किया था कि तीसरी लहर के बारे में उनसे सवाल किया गया था, उन्होंने जब इतना भीड़ भाड़ देखा था, दूसरी लहर थमने की बात जब की जा रही थी, तो सीएम उद्धव ठाकरे ने साफ कहा था कि देखिए, तीसरी लहर का तो पता नहीं, लेकिन दूसरी लहर फिर से राज्य में दस्तक ज़रूर दे सकती है। रही बात, तो केंद्र ने भी राज्यों को सूचना दे रखी है, केंद्र ने भी राज्यों को सतर्क कर रखा है कि पाबंदियों को पूरी तरीके से ना हटाया जाए, क्योंकि त्यौहार आ रहे हैं, उसके चलते बाजार में भीड़ देखी जाएगी, तो जिसके चलते कोरोना का खतरा और बढ़ेगा। ये जो डेल्टा वेरिएंट के 30 मरीज पाए गए हैं, इससे सरकार की चिंता बेहद बढ़ गई है। अभी नासिक के पालक मंत्री छगन भुजबल और नासिक के कलेक्टर सूरज मंधारे के बीच आपातकालीन बैठक जारी थी। अब सबकी नज़र उसी बैठक पर है कि बैठक के बाद हालांकि अब तक कुछ निष्कर्ष, कुछ फैसला सामने नहीं आया है, तो बैठक के बाद क्या फिर से नासिक में प्रतिबंधों को, पाबंदियों को सख्त किया जाएगा? क्या एक बार फिर से नासिक को पाबंदियों के तहत रहना पड़ेगा? क्योंकि 30 मरीज मिलना बेहद परेशानी की बात है, बेहद चिंता की बात है। अभी हमारे साथ डॉक्टर नीलू जैन जुड़ी हुई है, हम डॉक्टर नीलू जैन से जानेंगे, वो डॉक्टर है, ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगी। डॉक्टर नीलू जैन, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, मुझे आ रही है जी। डॉक्टर नीलू, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो मुंबई। धन्यवाद, मुझे मौका दिया आपने निशा जी, मेट्रो मुंबई से ज्वाइन होने के लिए। जी डॉक्टर, ये जो 30 मरीज पाए गए हैं नासिक में डेल्टा वेरिएंट के, माना जा रहा था कि तीसरी लहर के लिए डेल्टा प्लस वेरिएंट वो जिम्मेदार होगा, डेल्टा प्लस वेरिएंट से तीसरी लहर आ सकती है, लेकिन इस तरीके से जो एक बार फिर से डेल्टा वेरिएंट के इसके इतने ज्यादा मरीज मिल रहे हैं, तो क्या महाराष्ट्र में तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है? क्या दूसरी लहर एक बार फिर से तीसरी लहर डेल्टा वेरिएंट से ही आएगी? ये जो आवाज बराबर नहीं आ रही, बस अभी क्लियर है? अभी क्लियर आ रही है? जी जी, अभी आवाज आ रही है। हाँ, ये जो आ रही है ना, तो ये जो 155 केसेस, पॉजिटिव केसेस जो नासिक में आए थे, उसमें से जो 30 केसेस है जिसकी जीनोम सीक्वेंस स्टडी हुई है, उसमें ये आया है कि ये डेल्टा वेरिएंट के केसेस है। और मुझे लगता है कि ये जो डेल्टा वेरिएंट है, ये वायरस नासिक में आ गया है, और इसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी है, वो जो पहले वायरस से है, वो बता रहे थे कि 1000 टाइम्स ज्यादा है ये डेल्टा वेरिएंट। तो पहले भी आ चुका है, डेल्टा वेरिएंट से ही दूसरी लहर इतनी खतरनाक हुई थी। हाँ, डेल्टा वेरिएंट फर्स्ट था, लेकिन ये थर्ड डेल्टा प्लस वेरिएंट जो बोल रहे हैं, एक डेल्टा प्लस वेरिएंट है, थर्ड वेव में जो डेल्टा प्लस है, जो पिछले सेकेंड लहर में जो डेल्टा वेरिएंट आया
था उससे जो डेल्टा प्लस, दोनों में इतना फर्क है कि इसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी है वो 1000 times मोर है इससे, और इसके कारण हॉस्पिटल एडमिशंस बहुत जल्दी होंगे और जो बीमारियों जो पेशेंट को दूसरी बीमारियां हैं जैसे मॉर्बिडिटीज है उस पे इसका असर कुछ ज्यादा ही होगा हमें दिखाई देगा। लेकिन डॉक्टर डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीज नहीं पाए गए हैं, डेल्टा प्लस वेरिएंट के हालांकि शुरुआत में कुछ मरीज जरूर पाए गए थे महाराष्ट्र में, लेकिन उन सभी को ही रत्नागिरी में पाए गए थे जी, लेकिन अभी फिलहाल जो नासिक में मिले हैं वो डेल्टा वेरिएंट के मरीज पाए गए हैं एक बार फिर से। हाँ तो डेल्टा वेरिएंट सेकंड जो सेकंड वेव था उसका ही डेल्टा वेरिएंट अभी चल रहा है, तो वो उसमें भी आप देखेंगे कि ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स थे, जो निमोनिया था और जो ऑक्सीजन की कमी थी रेस्पिरेटरी वो बहुत ज्यादा थी, तो उसके कारण पेशेंट्स को ऑक्सीजन लो होने के कारण बहुत एडमिट करना पड़ रहा था। तो दूसरी लहर की तरह क्या फिर से तीसरी लहर डेल्टा वेरिएंट से ही आएगी? वो जीनोम सीक्वेंसिंग स्टडी के जो रिपोर्ट्स आएंगे ना, अगर उसमें डेल्टा वेरिएंट जो सेकंड लेयर में है वो ही है तो वो ही होगी, नहीं तो अगर जीनोम स्टडी में डेल्टा वायरस आया तो वो होगा। इट इज ऑल ऑन द स्टडी ऑफ द जो आरटीपीसीआर रिपोर्ट्स लेते हैं उसकी स्टडी के ऊपर आएगा। अभी तक तो डेल्टा प्लस मुंबई नहीं मिला है, खाली रत्नागिरी में एक मिला था, वो लेडी 88 ईयर की थी और वो उसको कोमॉर्बिडिटीज बहुत थी और दोनों मरीज ठीक हो गए। और डेल्टा वेरिएंट और डेल्टा प्लस वेरिएंट में फर्क क्या है? जो वायरस म्यूटेट होता है, जब वायरस अपना रूप बदलता है तो दोनों में मतलब जो वायरस डेल्टा प्लस होता है और डेल्टा वायरस, दोनों के जो म्यूटेशन है वायरस के, वो जो प्रोटीन्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब देयर इज अ डिफरेंस ऑन द प्रोटीन्स ऑफ द वायरस, प्रोटीन बॉडी ऑफ द वायरस जी। वैक्सीन जो है वो बताया जा रहा था कि डेल्टा वेरिएंट पर कोवैक्सीन 97% कारगर है, 97% अगर आप वैक्सीन ले लेते हो आपको कोरोना होने के चांसेस 97% तक कम हो जाते हैं। तो वैक्सीन लेने वालों को भी कोरोना हो रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ वैक्सीन लेने वालों को भी कोरोना कोविड हो रहा है, लेकिन जो उसकी इंटेंसिटी है, मतलब पेशेंट वेंटिलेटर पे जाते थे, पेशेंट मर जाते थे, ऑक्सीजन सैचुरेशन लो होता था, वो इतना नहीं होता है, पेशेंट को होता है लेकिन वो जल्दी से एक नॉर्मल वायरल फीवर के जैसे बाहर आ जाते हैं, पेशेंट इसमें आईसीयू और वेंटिलेटर पे नहीं जाते हैं। एक तरफ धुले है जहां पर कोरोना मुक्त हो गया है, धुले पूरी तरीके से कोरोना के एक भी मरीज नहीं है, और वहाँ एक तरफ नासिक है जहाँ नासिक में एक बार फिर से डेल्टा वेरिएंट के माफ कीजिएगा 30 मरीज मिले हैं। दो डोज लेने वालों को लोकल में एंट्री मिल सकती है, जल्द लिया जाएगा फैसला, ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रिफ का बयान। लोकल ट्रेन में जल्द आम आदमियों को एंट्री मिल सकती है, काफी परेशान है आम आदमी, लगातार मांग की जा रही थी कि जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है उन लोगों को लोकल में सफर करने की इजाजत दे देनी चाहिए। तो ग्राम विकास मंत्री हसन मुशरफ का भी अब बयान सामने आ गया है कि जल्द इस पर फैसला लिया जाएगा। कल आदित्य ठाकरे का बयान आया था कि चर्चा जारी है, दो दिन में निर्णय ले लिया जाएगा कि वैक्सीन के दोनों डोज जिन लोगों ने ले ली है उन लोगों को लोकल्स में एंट्री देना सही होगा या नहीं, लोकल्स में एंट्री देना है या नहीं, दो दिन में इस पर फैसला ले लिया जाएगा। तो नीलू, डॉक्टर नीलू जैन, ये जो लोकल्स की बात की जा रही है, तो कोरोना के मद्देनजर क्या इस वक्त लोकल खोलना सही रहेगा? मुझे ऐसा लगता है कि जिसने दो डोज ले लिया है, वैक्सीनेशन के दोनों डोज ले लिया है और उसको कुछ वीक्स हो गए हैं, जैसे 4 weeks या 6 weeks, जो उसका प्रोटोकॉल होता है कि इतने वीक्स के बाद वो बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाते हैं, तो उसके दरमियान मतलब कुछ वीक का गैप रख के, जैसे 4 to 6 weeks का गैप रख के दो डोज लेने के बाद उनको अलाउ करना चाहिए, क्योंकि उनके बॉडी में स्पाइक प्रोटीन्स बन चुके हैं और वो कोविड को फाइट करने की शक्ति रखते हैं जी। तो वैसे जी आम आदमी काफी परेशान है लोकल्स ना चालू होने के वजह से, तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जिस तरीके से मुंबई को अनलॉक कर दिया जाए, लोकल को भी धीरे धीरे खोल दिया जाए। तो डेल्टा वेरिएंट से बचने का क्या तरीका है, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी कोविड से पॉजिटिव हो चुके हैं, संक्रमित हो चुके हैं, वो लोगों को भी वापस से कोविड अपने चपेट में ले रहा है, तो किस तरीके के प्रिकॉशंस लिए जाए ताकि बचा जा सके?
सबसे पहले तो वो दोनों डोज वैक्सीन के लिए जाए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड इज जो मास्क पहनना है वो सब पहने, क्योंकि हमें नहीं पता आजू बाजू वाले लोगों ने सब वैक्सीनेशन लिया है नहीं लिया है. सोशल डिस्टेंस और हाइजीन, हाथ बाहर से आओ तो घर में आने के बाद या तो यू मस्ट टेक बाथ और वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली, हैंड्स एंड लेग्स, ताकि जो बाहर से हमने कहीं भी टच किया हो. और घर में भी हम देखा जाए तो हाइजीन जो मेंटेन करते थे, जैसे ही फर्स्ट कोरोना का वेव आया था, घर घर में सैनिटाइजेशन, बिल्डिंग में सैनिटाइजेशन, फॉगिंग जो करते थे, वो सब करना बहुत जरूरी है अभी भी. डॉक्टर, आपके हिसाब से जो शुरुआत में जब कोरोना आया था तब लोग ज्यादा प्रिकॉशंस लेते थे लोग, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों ने प्रिकॉशंस लेना कम कर दिया है, सैनिटाइजेशन का देखा जाता है कि उतना यूज नहीं किया जाता है, क्या ऐसा सच में हो रहा है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों का कहना है कि पहली लहर के दौरान जब शुरुआत में कोरोना आया था तो लोग काफी सटीक थे कोरोना को लेके कि सैनिटाइजेशन करना है, इसको छू लिया उसको छू लिया, लेकिन अब लोगों के मन में इस तरीके का प्रिकॉशंस लोग नहीं ले रहे हैं. आप अनिशा जी आप सच बोल रहे हैं, क्योंकि जब हमारा लॉकडाउन शुरू हुआ था मार्च 18th को 2020 में, तब लोगों के मन में एक डर था, मींस उनको एक ऐसा डर था कि हम बाहर निकलेंगे तो हमें कोविड हो जाएगा, तो सब घर में थे. लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए और जैसे जैसे लोगों की आर्थिक परिस्थितियां खराब होती गई, तो लोगों को भय तो दूर रहा, सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और घर की जरूरतों के लिए दौड़ना शुरू कर दिए. इसमें लोग लापरवाह हो गए. मार्केट प्लेसेस में आप घूमोगे तो 100 में से 50 लोग बिगर मास्क की मार्केटिंग, सब्जी गली हो या कहीं भी आप बड़े रोड्स पे घूमोगे तो लोग, पीपल आर नॉट कंसर्न, मतलब उनको डर नहीं रहा है. और बहुत लोग जो वैक्सीन ले चुके हैं वो बाहर घूम रहे हैं, लेकिन लोग प्रिकॉशंस, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, ये सब लोग तो अभी दे आर नॉट डूइंग ऑल दीज थिंग्स एंड दे शुड डू. अगर थर्ड वेव से बचना है हमें तो ये सब करना हमारे लिए बहुत जरूरी है. लोग बसेस में ट्रैवल कर रहे हैं तो बसेस में खड़े रहने तक की जगह नहीं है. एक जगह लोकल ट्रेन में पाबंदी है, लेकिन बसेस में तो पूरी भरी हुई जा रही है. तो उसमें भी हमें कुछ सिस्टम डेवलप करना चाहिए ताकि लोग एक दूसरे से दूर रहे. लोकल ट्रेन में पाबंदियां जरूर है, लेकिन भीड़ तो उसी तरीके की होती है, भीड़ में तो कोई कमी नजर नहीं आ रही है लोकल्स पे तो उसी तरीके. हाँ, लोकल ट्रेन में लोगों ने पासेस तो बना लिए हैं, लोगों ने जैसे बीएमसी वाले अलाउड है, पुलिस अलाउड है, गवर्नमेंट की, तो बहुत लोगों ने झूठे पासेस भी बना बना के लोग घूम रहे हैं, मतलब फेक पासेस बना के. तो गवर्नमेंट चाहे कितनी भी सख्ती रखे, लोग अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं सब काम करते हैं. अभी जो नासिक में 30 मरीज पाए गए हैं डेल्टा वेरिएंट की, तो क्या इससे ये कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में तीसरी लहर ने दस्तक दे दिया? अभी तो एक ही एरिया में शुरू हुआ है तो वी कैन नॉट से लाइक थर्ड वेव, लेकिन फिर भी अगर एक ही एरिया में 30 पेशेंट को 30 से मल्टीप्लाई होने में टाइम नहीं लगेगी, तो हमें बहुत सतर्कता रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये 30 को 300 होने में भी टाइम नहीं लगेगी. तो इनको हॉस्पिटलाइज करना या उनको कोविड केयर सेंटर्स में डालना, ये 30 का ट्रेस, इनके साथ कितने लोग मिले हैं इन 30 लोगों को इन दिनों में, वो ट्रेस आउट करके उनको भी अलग करना और उनकी टेस्टिंग करना, ये बहुत जरूरी है, तो हम बीमारियां रोक सकते हैं, नहीं तो सेकेंड वेव के जैसा ये भी एक मुश्किल हो जाएगा. आर वैल्यू, डेल्टा वेरिएंट के जो आर वैल्यू कहा जाता है कि एक लोग कितने लोगों को संक्रमित कर सकते हैं, तो डेल्टा वेरिएंट का एक मरीज कितने मरीजों को संक्रमित कर सकता है? 1:4 का रेशियो था पहले, मतलब 1:4 का रेशियो था पहले जो था, वो एक एक मरीज होता था, वो हम लोग ऐसा सोचते थे 4-5 को करेगा, दैट वाज द रेशियो फर्स्ट. लेकिन अभी पता पड़ेगा, क्योंकि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी अगर ज्यादा हुई तो रेशियोज बदल जाएंगे. और डेल्टा ये नई बीमारी है जी, ये एक नई बीमारी है, इसके ऊपर सब ऐसा ही चल रहा है, क्योंकि ये सब अनुभव से आ रहा है. इट इज नॉट ऐसी ओल्ड टाइप की डिजीज नहीं है, जैसे हार्ट अटैक्स होती है नहीं, हम लोग जो दूसरे डिजीजेस ट्रीट करते हैं. इसलिए जो भी WHO या जो रिसर्चर्स कर रहे हैं, साइंटिस्ट है, एपिडेमियोलॉजिस्ट है, जो एपिडेमिक संभालते हैं जो वर्ल्ड के, वो जो रिसर्च करते हैं उसकी रिसर्च के बेस पे हम ये सब बातें करते हैं. डॉक्टर नीलू, वैक्सीन के जो दोनों डोज हैं, उन दोनों डोज के बीच जो गैप्स है, अभी वो 85 डेज है, वो दोनों डोज के बीच गैप्स को कम करने को लेकर भी चर्चा की जा रही है, क्योंकि कई रिपोर्ट्स में ऐसा माना गया है कि इतने लंबे गैप के कारण एंटीबॉडीज कम हो रहे हैं.
हाँ ये मैंने भी कल पढ़ा था कि पहले हम लोग ने, जैसे मैंने जब डोज लिया था तो 4 वीक्स में लिया था, जी और अभी जो 85 डेज का हुआ है उसमें बहुत लंबा गैप है, तो उसमें जो एंटीबॉडीज जो बॉडी में बनने चाहिए वो कम बन रहे हैं। ये उसकी रिसर्च स्टडी में आया है। तो ये रिसर्च, अगर एंटीबॉडीज या मुकाबला करने की ताकत बॉडी में कम होगी तो उसको वापस इनका डेज कम कर दिया जाएगा, मतलब अब तक मतलब कोई जो बॉडी। प्रॉपर रिसर्च वैक्सीन्स पे किया नहीं गया है जिसको लेकर बार बार वैक्सीन्स के जो गैप है उसको बदला जा रहा है, बार बार फैसले को बदला जा रहा है। रिसर्चेस तो बहुत किए हुए हैं लेकिन क्या हो रहा है कि अभी जो दिस इज द फर्स्ट टाइम दिस डिजीज हैज एंटर्ड द वर्ल्ड, सो अगर हम जो भी करते हैं उसमें जो रिसर्च आता है, क्योंकि इट्स अ वेरी बिग एपिडेमिक, जल्दी से जल्दी हमें वैक्सीन मार्केट में लाना था, जल्दी से जल्दी लोगों की जान बचानी थी, तो इसके एवज में हमने फर्स्ट टू 4 वीक्स किया, फिर 4 टू अपन ने इसको 85 डेज किया, कोविशील्ड की बात कर रही हूँ मैं, उसको 85 डेज किया, 84 डेज किया। लेकिन कोवैक्सीन का तो अभी वही सिस्टम चल रहा है जो पहले चल रहा था, फर्स्ट एंड 28। तो अभी अगर 85 डेज किया है, अगर रिसर्च स्टडीज में आता है कि इनकी एंटीबॉडीज कम बन रही है और इनका जो ड्यूरेशन है लड़ने का, जो फाइट करने का ड्यूरेशन है वो भी इसका 1 ईयर ही है, उससे ज्यादा तो है नहीं, उसके बाद वापस हमें रिपीट करना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर ये सब चीजों में अगर प्रॉब्लम आया तो उसके वापस डोज कम किए जाएंगे, मतलब उसका जो डोज की अवधि है वो कम ज्यादा होगी। एंड इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्शन, मतलब हमारा दोनों वैक्सीन्स के जो प्रोडक्शन है कंपनी के, वो प्रोडक्शन भी इतने अच्छे होने चाहिए कि जितने हमने फर्स्ट में कवर किए हैं उतने 4 वीक्स में उतने डोजेस बन के मार्केट में आने चाहिए। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक तरफ तो जहां बीच में खबरें आ रही थी कि जिन लोगों को कोरोना हुआ है उन लोगों के लिए वैक्सीन्स की एक डोज भी काफी है, लेकिन अब जैसे WHO का स्टेटमेंट सामने आया कि अब 2 डोज के बाद लोगों को बूस्टर डोज भी लगाना पड़ेगा। हाँ वो ऐसे बोल रहे हैं कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहले बूस्टर डोज लगाएंगे, जिन्होंने इंडिया में दोनों डोजेस लिए, ये खबर मैंने भी पढ़ी है। लेकिन अगर इसपे अभी रिसर्च चल रहा है, अभी तक ये वो मीन्स इट इज नॉट प्रूव्ड कि देंगे थर्ड बूस्टर डोज, लेकिन ये ऐसा चल रहा है कि थर्ड डोज फ्रंटलाइन वर्कर्स को इंडिया में वापस रिपीट करेंगे, ये मैंने भी पढ़ा है। जी, नासिक में जो 30 मरीज पाए गए हैं उसको 30 से 300 होने से कैसे रोका जाए? आप एक डॉक्टर है, डॉक्टर के नाते आप बताएं कि कैसे वहां पर कंट्रोल किया जा सकता जितने भी पॉजिटिव केसेस है ना उन्हें कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट करना चाहिए फर्स्ट, और उसमें से अगर कोई क्या बोलेंगे इसमें से अगर किसी को निमोनिया या ऑक्सीजन सेचुरेशन लो है तो उन्हें ICU या हॉस्पिटल्स में शिफ्ट करना चाहिए, उसका क्लासिफिकेशन करना चाहिए कि किधर रखना है, और सेकेंड उनके घर के जितने लोग हैं क्लोज कॉन्टेक्ट में उन सबकी तुरंत एंटीजन टेस्टिंग और RT-PCR टेस्टिंग होनी चाहिए, और उनको भी आइसोलेशन में रहना चाहिए, किसी से बाहर वालों से मिलना नहीं चाहिए। ये सब जो उनके क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं, घर वाले हैं, फ्लोर वाले हैं, बिल्डिंग वाले हैं, ये सब लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, वो सील करना पड़ेगी वो जगह, जैसे हमने मुंबई में किया था कंटेनमेंट जोन, जी, नासिक वो इस सब वक्त करना। अनलॉक अनलॉक में है, तो क्या मरीजों को कंट्रोल करने के लिए ताकि और लोग इफेक्टेड ना हो, संक्रमित ना हो, उसके लिए फिर से पाबंदियों का रुख करना पड़ेगा सरकार को? ऑफकोर्स जो बिल्डिंग्स है या जो घर है जहां पे ये पॉजिटिव आए हैं वहां पे जैसे BMC जाकर वो लगाती है बैनर्स जी अफेक्टेड, वैसे वो 30 घरों में तो लगने चाहिए तुरंत, ताकि वहां से लोग दूर रहे। हाँ कंटेनमेंट जोन्स का एक बार फिर से फॉर्मूला अपनाना चाहिए। वो कंटेनमेंट जोन्स या जो बिल्डिंग्स पॉजिटिव आई है, 30 30 बिल्डिंग है या 10 बिल्डिंग है जहां से ये मरीज आए हैं, वो बिल्डिंग में बैनर्स लगने चाहिए कि ये कोविड पॉजिटिव केसेस यहाँ से आए, लोगों को काफी अवेयरनेस वेरिएंट्स, होने के लिए। कोरोना के काफी वेरिएंट्स डेल्टा प्लस बताया जाता है कि तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार होगा, लेकिन हालांकि डेल्टा वेरिएंट ही एक बार फिर से खतरनाक साबित हो रहा है, फिर लेमड़ा वेरिएंट, कप्पा वेरिएंट, इतने सारे वेरिएंट्स आए हैं, और कितने वेरिएंट्स आएंगे? अभी कोविड के ना कंट्री के हिसाब से वेरिएंट्स है, जैसे अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, जी तो हमारी कंट्री में डेल्टा है, और जैसे साउथ अफ्रीका में बीटा है, और यूनाइटेड किंगडम में अल्फा है, तो जी अलग अलग वायरसेस के इनके जो वेरिएंट्स हैं वो अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, तो हमारी इंडिया में डेल्टा है और डेल्टा के ही वेरिएंट्स हमारी कंट्री में बार बार आ रहे हैं। क्या हो रहा है, जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं है
उनके बॉडी में जब ये वायरस जाते हैं तो धीरे धीरे ये और स्ट्रांग होते हैं और इनके ही नए वेरिएंट्स मलने शुरू हो जाते हैं। तो अगर हमारी कंट्री पूरी वैक्सीनेट नहीं होगी तब तक के ये वेरिएंट्स बनते ही जाएंगे, इसलिए वैक्सीनेशन इज द स्टॉक्स भी तो नहीं है मुंबई में। आज मैं अभी मैंने न्यूज देखी, जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज आई है और गवर्नमेंट ने इसको मान्यता दे दी है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने न्यूज देखी है तो इस वक्त जॉनसन एंड जॉनसन की ओनली वन सिंगल डोज का गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है, ओनली वन डोज। मतलब वो तो ऐसे धीरे धीरे करके दो डोज लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, या जॉनसन एंड जॉनसन ने अभी बनाई, जस्ट नाउ मैंने अभी 10 मिनट पहले न्यूज देखी थी एंड गवर्नमेंट ने भी उसका अप्रूवल दे दिया है। एंड सेकेंड हाफकिन्स इंस्टीट्यूट है जो हमारे अपने इंडियन गवर्नमेंट ने, अपने इंडिया में हाँ बोल दिया है, WHO ने भी अप्रूवल दे दिया है उसको। और दूसरा है, और दूसरा हमारा है जो ये हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है मनसुख मांडविया जी, उन्होंने बोला है कि जो हाफकिन इंस्टीट्यूट है, जो दूसरी और वैक्सीन बनाने वाली जो यूनिट्स है कंट्री में, उनको कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो बन रहा है उनका ही सैंपल्स उनको देके उन्होंने असाइनमेंट किया है कि हमारी कंट्रीज का जो इतनी बड़ी जनसंख्या है, हमारे देश की जनसंख्या ऐसी है कि 30 देश को मिला है तो एक कंट्री की जनसंख्या है, तो इतने सारे लोगों को कवर करने के लिए हम अलग ऐसे 10-15 यूनिट्स होंगे जो करोड़ों वैक्सीन बनाएंगे, तब हमारी देश की पूर्ति होगी। और ये काम चल रहा है, हाफकिन्स इंस्टीट्यूट को भी दे दिया है जो मुंबई में है, उसको वैक्सीन बनाने की अनुमति दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट से और फंड्स भी दिए जा रहे हैं। हाँ, वैसे एक और अच्छी खबर है कि देश में 50 करोड़ लोगों का वैक्सीन भी आज पूरा हो गया है। पीएम मोदी ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। हालांकि दिसंबर तक आपको लगता है कि सभी का वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा इंडिया में? होना चाहिए, क्योंकि अगर नए वैक्सीन कंपनियां बनाना शुरू कर देगी दूसरी कोविशील्ड और कोवैक्सीन को छोड़ के, ऐसी और 2-4 कंपनियां मार्केट में आ गई तो ये होना संभव है। जी डॉक्टर नीलू, आप जो दर्शक देख रहे हैं उनको कोरोना से बचने के लिए अभी जो अनलॉक हो गया है, अनलॉक के तरीके से मतलब क्या हिदायत देनी चाहेंगी, क्योंकि मार्केट्स तो खुल गए हैं, सभी कुछ चीज खुल गए हैं, खुलना जरूरी भी है, कितने दिन लोग घर में रहेंगे, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? एक तो वो आरोग्य सेतु ऐप में जब हम डाउनलोड करते हैं तो हमारे आजू बाजू आ जाता है कि कोई पॉजिटिव केस है क्या, तो जब घर से बाहर निकलते हैं या कोई नई एरिया में जाते हैं तो हमें उसमें एरिया डाल देनी चाहिए, तो उसके आजू बाजू आ जाते हैं कितने लोग पॉजिटिव इस एरिया में है, क्योंकि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से उसमें आता है। और सेकेंडली हमें ही हमारे साथ हमेशा सैनिटाइजर यूज रखना है जो हम पर्स में या हमारे पॉकेट्स में कैरी करते हैं, सोशल डिस्टेंस रखना है और मास्क को बार बार हाथ नहीं लगाना है। एक बार अगर हम मास्क लगा के घर से निकले हैं तब जब तक घर में नहीं आए तब तक उस मास्क को हाथ नहीं लगाना। जी जी डॉक्टर नीलू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें ये सारी जानकारी देने के लिए। तो अभी हमारे साथ डॉक्टर नीलू जैन जुड़ी हुई थी, जिनसे हमने काफी जानकारियां ली कि कैसे बचा जाए एक बार फिर से जो डेल्टा प्लस वेरिएंट का जो खतरा बताया जा रहा था, लेकिन डेल्टा प्लस नहीं बल्कि डेल्टा वेरिएंट जो कि इंडिया में ही पाया गया है और जो कि पूरी दुनिया में लगभग दुनिया के कई सारे देशों में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार माना गया था, खतरनाक माना गया था, एक बार फिर से महाराष्ट्र में उसी डेल्टा वेरिएंट ने नाशिक में 30 मरीज पाए गए हैं, जिससे लोगों की टेंशन काफी बढ़ गई है। और नाशिक की अगर बात की जाए तो नाशिक अभी पाबंदियों से मुक्त है, नाशिक अभी अनलॉक में है। तो हालांकि अभी छगन भुजबल और कलेक्टर के बीच मीटिंग भी चालू है, आपातकालीन बैठक भी बुलाई गई है, तो अब देखना यह है कि बैठक तो खत्म हो चुकी है तो बैठक के बाद क्या फैसला लिया जाएगा, क्योंकि मैं एक बार फिर से बता दूं कि सीएम उद्धव ठाकरे ने पहले भी कहा था कि तीसरी लहर का तो पता नहीं लेकिन सावधान रहिए क्योंकि दूसरी लहर जरूर पलटवार कर सकती है। और नाशिक में जो 30 मरीज पाए गए हैं उससे तो यही लगता है कि दूसरी लहर फिर से हो सकता है, अगर सावधानियां नहीं बरती जाए तो खतरनाक साबित हो सकती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मेट्रो मुंबई। नमस्कार। नया अंदाज, नया तेवर, बड़ी नजर, सही खबर।